हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना सभी नीट एस्पिरेंट्स का सपना होता है, क्योंकि ये इंडिया का तो टॉप वन इंस्टीट्यूट है ही, साथ ही एशिया में भी इसके टॉप फाइव मेडिकल इंस्टीट्यूशन में गिनती होती है। ऐसे इंस्टीट्यूशन से MBBS करके देश सेवा करने का मौका किसी मेहनती स्टूडेंट को ही मिलता है। अभी हम सभी को इस बात का पता है कि एम्स दिल्ली में भी एडमिशन नीट स्कोर पर ही होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि नीट का पेपर इजी, मॉडरेट या फिर हार्ड रहता है, तो इन तीनों कंडीशन में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, हमें कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स कितनी लाने होंगे ताकि हमें एम्स दिल्ली मिल जाए। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि हमें एम्स दिल्ली ही क्यों चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमें एम्स दिल्ली ही क्यों चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, 2010 से 2013 के बीच में मैं दिल्ली में पोस्टेड था। दिल्ली के बाकी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ दिल्ली एम्स का भी मैंने कई बार विजिट किया है और अब इंडिया के काफ़ी मेडिकल कॉलेजों में भी मैं घूम चुका हूँ। जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ का मैंने बारीकी से अध्ययन किया है। वहाँ के हॉस्टल व अन्य फैसिलिटी के बारे में भी MBBS स्टूडेंट से जानकारी ली है। तो एम्स दिल्ली जैसा वातावरण मेरे को कहीं नहीं मिला। जब भी एम्स दिल्ली के कैंपस मेरे दिमाग में आता है तो वो स्वर्ग ही लगता है। दिल्ली एम्स की फीस की बात करें तो ये मात्र 6000 रुपये सालाना है, यानी 500 रुपये महीना है, जिसे गरीब से गरीब बच्चा भी आसानी से वहन कर सकता है। दूसरी मजेदार बात यह है कि यहाँ की लाइफ स्टाइल A1 है। और सबसे और अहम बात जो मैंने महसूस की है वो ये है कि यहाँ पर कोई रैगिंग वगैरह का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने स्टूडेंट से बात की तो पता चला कि एम्स में सभी ईयर के स्टूडेंट दोस्त की तरह ही रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट क्यों ना हो। लेकिन बाकी कॉलेजेज में ऐसा नहीं है, जूनियर और सीनियर स्टूडेंट के साथ एक काफ़ी गैप रहता है। बाकी यहाँ की फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो कहना ही क्या है। अब हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे तो इसमें अगर हम देखते हैं पेपर हार्ड आता है तो UR 668 से 670 मार्क्स तक रह सकती है। OBC की 660 से 665, SC की 630 से 635, ST की 620 से 625 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रह सकती है। URPH की 580 मार्क्स और OBCPH की 570 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है। अगर पेपर मॉडरेट रहा तो UR की 675 से 678, OBC की 665 से 667, SC की 635 से 640, ST की 628 से 630, URPH की 575 और OBCPH की 570। इसके बाद में EG अगर पेपर रहता है तो UR कैटेगरी की 680 से 685 मार्क्स, OBC की 670 से 675, SC की 645, ST की 630, URPH की 599 और OBCPH की 580 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है। अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक सेम ही रहेगी इन तीनों कंडीशन में। UR 51 रैंक रहेगी, OBC 260, SC 1140 और ST 3000। तो दोस्तों, ये जानकारी थी एम्स दिल्ली की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ मैंने ये प्रीवियस ईयर में रहे पेपर लेवल को देखते हुए और रैंक को देखते हुए बनाई है। ये गलत भी हो सकती है लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि इसमें टॉप के स्टूडेंट ही एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों, अभी भी ले सकते हैं आप एम्स दिल्ली में एडमिशन, अभी भी समय है। इन दिनों की मेहनत ही आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन दिलाकर आपके माता पिता के सपनों को पूरा करेगी। तो आइए करते हैं मेहनत। जून में एम्स दिल्ली आपका स्वागत के लिए तैयार है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।